जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही YouTube चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस 49,567 वाली जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में। इसको लेकर आपके जो 1 लाख कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है कि आपके पहले 1.5 गुना से बढ़ाकर 2 गुना क्यों कर दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। साथ ही साथ आपकी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाने वाली है, क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपके एडमिट कार्ड के बेसिस पे, जो भी आपके एडमिट कार्ड निकले थे उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आपके थे कि इतनी कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे रीज़न बताऊँगा, 4 ऐसे लॉजिकल पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है इतनी ही जा रही है जितनी मैंने आपको बताई है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उन सभी के लिए है जिनके पे माइंड में डाउट चल रहा है कि जो आपकी 49,567 वाली वैकेंसी है इसकी कट ऑफ यहाँ पर 41,520 वाली कट ऑफ के आसपास ही जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। कट ऑफ के लिए मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको आपके जो एडमिट कार्ड बेसिस थे जिसमें जितने मुझे कमेंट्स मिले थे उनको यहाँ पर रिप्लाई किए थे, जितने भी यहाँ पर मिनिमम मार्क्स पे आपके एडमिट कार्ड ओपन हुए थे उन सभी को मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखा दिया था, यानी कि कितने मिनिमम मार्क्स पे आपके शिफ्ट वाइज एडमिट कार्ड ओपन हुए थे। तो उसी के आसपास मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। उस आप वीडियो पर काफ़ी सारे बच्चों कमेंट्स ये करके थे कि सर नहीं, इतनी कट ऑफ आप हमारी कम नहीं जाने वाली, थोड़ी इससे हाई जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ कि जिनसे यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ही कम जाने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आप कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ऐसा ना किया करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करना है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, उससे क्या होगा कि आपको सभी अपडेट चैनल की टाइम टाइम से मिलती रहेगी। और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट मैं सबसे पहले विद प्रूफ प्रोवाइड कराता हूँ आपको। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी चीज़ ये चीज़ जानते हैं अच्छी तरह से। कोई भी आपका डाउट हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमें कोई सी भी वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कि मैंने आपको लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो है इसमें मैंने आपको 49,567 वैकेंसी की कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी सारे एडमिट कार्ड दिखाए थे, जो भी आपके एडमिट कार्ड अभी एक वायरल लिंक के द्वारा ओपन हुए हैं, कितने मिनिमम मार्क्स पे आपके एडमिट कार्ड ओपन हुए हैं उसी को बेस मानकर मैंने आपकी कट ऑफ काफ़ी कम बताई थी। हालांकि इससे पहले मैंने आपको एक कट ऑफ प्रोवाइड करा रखी है, वो बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक कट ऑफ है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो चलिए मैं आपको 4 रीज़न ऐसे बता देता हूँ आज कि यहाँ पर जिससे आपकी कट ऑफ कम जाने के बिल्कुल चांस हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको पुरानी जो आपकी कट ऑफ थी 41,520 वैकेंसी की, जो आपके स्टार्टिंग में कट ऑफ लगी थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो भी यहाँ पर 200-200 प्लस बता रहे हैं उनके लिए वीडियो है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी यहाँ पर 225 के आसपास, OBC की गई थी 216, हालांकि आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप सभी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, जो भी आपकी प्रीवियस कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट कट ऑफ आपकी गई थी, इसके बाद ये कट ऑफ काफ़ी कम हो गई थी। तो ये जो कट ऑफ थी आपकी, जो आपके स्टार्टिंग में 62,000 बच्चे बुलाए गए थे उसके लिए थी, तो 62,000 के लिए आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। इस बार 1 लाख बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 गई थी जनरल की, और आपका एग्ज़ाम जो लेवल था उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेता हूँ। एग्ज़ाम लेवल आपका ऐसा था पिछली बार का जो आपका था, जिसने भी दिया होगा कि 2.5 + 3.6 ऐसे ऐसे करके आपको जोड़ना जोड़ना था, बस मैथ के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना सिंपल आपका जो था एग्ज़ाम लेवल था लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें यहाँ पर जिसने तैयारी की थी उसने भी इतना ही किया था, और जो यहाँ पर तैयारी करके नहीं गए थे मैथ में उसने भी इतना जो अपना अटैम्प्ट है उसने भी इतना ही किया था। तो काफ़ी ईजी लेवल आपका पिछली बार का जो एग्ज़ाम था उसका लेवल था। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि जो आपके स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ था 18 और 19 को उसमें थोड़ा लेवल ठीक ठाक था, लेकिन जो आपके बाद में एग्ज़ाम हुए 3 शिफ्ट में 25-26 को उसका लेवल आपका बिल्कुल ईजी था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों का बन रहा था। काफ़ी सारे मेरे जानकार ऐसे थे जिनके यहाँ पर 230 प्लस थे लास्ट वाली में, 230 प्लस वाले 10 से 12 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके यहाँ पर, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और जिनके यहाँ पर ट्रेनिंग अभी हो रही है सिविल पुलिस में। तो ये तो हो गई आपकी पुरानी कट ऑफ, और ये 62,000 के लिए है। आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, 40,000 एक्स्ट्रा बुलाए जा रहे हैं, यानी कि 1 लाख के लिए आपकी कट ऑफ लगनी है। तो चलिए मैं आपको अब वो रीजन्स बता देता हूँ 4, जिनसे आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी बड़े रीजन्स रखे हैं 4, हालांकि आप सभी लोग इस चीज़ से सहमत जरूर होंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। पहला जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रीज़न रखा है वो रखा है एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम का जो आपका लेवल था यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं कह सकते, सेम का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर था,
तो बिल्कुल डिफरेंस आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था पिछली बार के जो कंपेरिजन में है, जो आपका 41,520 वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल ही आपका अलग एग्ज़ाम इस बार था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टफ इस बार का जो लेवल था आपका एग्ज़ाम का, मैथ रीजनिंग हिंदी जिस किसी भी पोर्शन का आप उठा के देख सकते हैं उससे ज़्यादा टफ ही इस बार का लेवल रहा है आपका। तो एग्ज़ाम लेवल से भी यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है काफ़ी कम जा रही है, यहाँ पे 4 से 5 नंबर आप बिल्कुल यहाँ पर डाउन कर सकते हैं अपनी कट ऑफ को इस एग्ज़ाम लेवल से भी, क्योंकि जो आपका पिछली बार का अटैम्प्ट था मैंने आपको बताया 230 प्लस बच्चे काफ़ी सारे मेरे जानकार थे, लेकिन इस बार जो वही बच्चे हैं यहाँ पर 110-215 के आसपास यहाँ पर रह गए हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जिन्हें कह सकते हो आप, जो कि अपनी दिल्ली तैयारी करके आए हैं, एक एक साल अपना लगा के आए हैं। तो जब उन बच्चों के जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं जिन्होंने एक एक साल की अपनी तैयारी दिल्ली में की है, यानी काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं कि किस लेवल की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उन लोगों के जब इतने नंबर 215 के आसपास या 214 या 210 के आसपास अब इस बार वो सिमट गए हैं, और पिछली बार उनके 230 प्लस काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे, तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम लेवल है इससे आप बिल्कुल इस चीज़ से सहमत होंगे, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार वाले इस बार 80 से 90 क्वेश्चन पर ही अटक गए हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इफेक्ट आपके कट ऑफ को करेगा, एग्ज़ाम लेवल जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कम आपकी कट ऑफ यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग यहाँ पर 8,000 वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार से, यानी कि 8,000 वैकेंसी का आप मतलब अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो भी अदर स्टेट हैं यूपी और बिहार को छोड़कर उनमें जो आपकी 8,000 वैकेंसी है वो टोटल पुलिस की नहीं निकलती हैं, यानी कि 8,000 से कम ही वैकेंसी यहाँ पर टोटल अदर स्टेट में निकलती हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैटर आपकी कट ऑफ में करने वाले हैं, ये 8,000 पद जो आपके हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपकी कट ऑफ को करेंगे, तो यहाँ पर आप जो आपकी कट ऑफ है पिछली बार से काफ़ी कम इस रीज़न के कारण भी आपकी हो रही है, जो आपकी 8,000 वैकेंसी प्लस हुई हैं इस बार, तो ये भी आपकी कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, तो ये आपके इस बार एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट्स ने, पिछली बार लगभग मुझे जहाँ तक याद है जहाँ तक मेरा आइडिया है तो यहाँ पर 25 से 26 लाख बच्चों ने 41,000 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम दिया था, इस बार लगभग वो 16 से 18 हज़ार के बीच में रह गए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, हालांकि रजिस्ट्रेशन इस बार भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो लेकिन इस बार जो आपका एग्ज़ाम दिया है वो लगभग 16 से 18 लाख बच्चों के आसपास दिया है, तो कितना यहाँ पर कंपटीशन आपका लो हो गया है, ये किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या किन्हीं और वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो चुका है ऐसा कुछ हुआ होगा, तो लेकिन इस बार आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कम हुए थे और जो आपका एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने वो भी यहाँ पर कम दिया है और यहाँ पर पोस्ट आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ से भी आप अपनी कट ऑफ को बिल्कुल काफ़ी कम मान सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है यहाँ से भी बिल्कुल इफेक्ट होने वाली है, काफ़ी कम आपकी कट ऑफ इस चीज़ से भी जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सब आप इस चीज़ से बिल्कुल सहमत होंगे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चारों रीजन्स हालांकि मैंने आपको बताए हैं चारों रियल लॉजिकल पॉइंट आपके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने आपके लिए कोई तुक्का मार दिया है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से सहमत होंगे इन चीज़ से। जो आपका चौथा पॉइंट है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस 41,520 और हरियाणा ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी, ये आपकी वैकेंसी, हालांकि इसके बाद भी काफ़ी सारी वैकेंसी क्लियर हो गई हैं आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी अदर भी हैं जिनमें जो यहाँ पर मैंने नहीं ली हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, इन सभी में आप मान सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जो आपके कंपटीशन आपके साथ कंपटीशन में फ़ाइट कर रहे थे वो अपने यहाँ पर नौकरी पे चले गए हैं, यानी कि अपनी जॉब पे यहाँ पर चले गए हैं, जो अपनी ज्वाइनिंग काफ़ी सारों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है, तो वो यहाँ पर आपके फिज़िकल में नहीं जाएंगे, जो 49,568 वैकेंसी आपकी उसके फिज़िकल में बिल्कुल भी ये बच्चे नहीं जाएंगे, तो कितना लोग आपका यहाँ पर कंपटीशन देख सकते हैं कि कितने, चारों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस पॉइंट से आपका जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा लो हो गई है क्योंकि ये बच्चे वही हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर 49,568 में बिल्कुल फाइट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसे बच्चे हैं कि यहाँ पर जो आपके तुक्का मार के इस चीज़ में सेलेक्ट हो गए हैं, जो बाकी वैकेंसी है अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट इन बच्चों को आप कह सकते हैं, जो भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करता है आप उसे यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल तुक्के से किसी ने कर दिया होगा, तो ये आपका कट ऑफ यहाँ पर इस बार आपकी कट ऑफ है इन चार बड़े रीजंस के कारण आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, और यहाँ पर ये मैंने आपको बिल्कुल लॉजिकली पॉइंट बताए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से कोई आइडिया बता दिया हो, बिल्कुल रियल पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पर जुटला सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं था, जिसने इस बार एग्ज़ाम दिया है अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल इस चीज़ से ज़रूर सहमत होंगे, तो ये चार पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हम इस चीज़ से सहमत हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल सेटिस्फाई आपके द्वारा बताई गई जानकारी से हैं,
तो आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, हालांकि हेल्पफुल ही रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई फालतू चीज़ बताई हो, बिल्कुल आपके फ़ायदे की चीज़ ही मैंने आपको बताई है। तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है जो भी भाई सहमत है, और जिसको यहाँ पर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, जो सहमत ना हो सकता है काफ़ी सारे भाई ऐसे भी हों, क्योंकि अलग अलग आपके जो है देखने का नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अब आपका अलग अलग होता है, हो सकता है आप काफ़ी सारी अलग यूट्यूब चैनल की वीडियो देखते हो तो आप उनके लिए सहमत रहते हो। तो बिल्कुल भाई आप यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद ना हो, फालतू के कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इससे चीज़ आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई नुकसान है अगर आप यहाँ पर फालतू के कमेंट करेंगे। बाकी सभी जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपोर्ट करते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जो भी भाई अभी तक चैनल के से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कहना चाहूँगा, आप ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।